हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक 30 क्वेश्चन का एक्सरसाइज लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में, जैसे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय की सही अनुपात में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। सेकंड है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। थर्ड है पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। फोर्थ है प्रश्न का कठिनाई स्तर। जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आदर्श प्रतीक्षा समय की सही अनुपात में होना चाहिए, तो जैसे कि अभी बात करते हैं प्रश्नों का कठिनाई स्तर सबसे अनुपात में होना चाहिए, जैसे कि सरल से कठिन की तरफ हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। तो आंसर ही करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। तो जैसे कि क्वेश्चन दे रहा है, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है निम्न स्तरीय अभिसारी, सेकंड है निम्न स्तरीय अपसारी, थर्ड है उच्च स्तरीय अभिसारी, फोर्थ है उच्च स्तरीय अपसारी। तो जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है कि अगर आप विद्यालय में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो विद्यालय हैं उनकी संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए आप क्या योजना बनाएंगे और आप क्या उदाहरण देंगे। जैसे कि अभी बात करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न जैसे कि योजना निर्माण से संबंधित सुझाव मांगते हैं, जैसे कि शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए या शिक्षा सुधारने के लिए आप योजना उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा एडजस्ट करेंगे इधर। सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है का अंतर, सेकंड है का भिन्नता, थर्ड है के लिए संबंधों, फोर्थ है के लिए अंतर। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीखने के आकलन और उनके अनुदेशन के बीच का दृढ़ीकरण सीखने को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करेंगे सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच के संबंधों दृढ़ीकरण सीखने को प्रभावित करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, ऑप्शन देखते हैं, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, सेकंड है के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, थर्ड है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, फोर्थ है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्वेश्चन वो ले रहा है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, जैसे कि अभी बात करते हैं कि के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी और नवीन स्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, सेकंड है एलएस थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, फोर्थ है बहुबुद्धि सिद्धांत, सॉरी थर्ड है ये, फोर्थ है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है सतत और व्यापक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टेक गलत जगह हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी देखते हैं इसे। हाँ, अब सही हो गया। यहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना के बारे में पूछा जा रहा है,
तो व्यापक शब्द के अलावा किसका समर्थित करता है? जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द शब्द जो है बहुबुद्धि सिद्धांत या सूचना प्रक्रम सिद्धांत एलन थर्सन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता के आधार पर समर्थित किया था। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। यहाँ पे ये गलत दिया गया, आंसर तो हमारा फर्स्ट होगा, पर हमारा जो ऑप्शन यह दिया गया यहाँ पे आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा हमारा सेकंड, एलएस थर्सन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं यह सीखने के वातावरण? ऑप्शन देखते हैं, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, सेकंड है परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, थर्ड है व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, फोर्थ है निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थी किस प्रकार को जेंडर को वातावरण के रूप में मतलब प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि बात करते हैं रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, जैसे क्वेश्चन अगर हम फिल करते हैं कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार को जेंडर को रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है, आंसर है इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम क्लास में इस प्रकार की बात करें कि लड़कियां संगीत या इस प्रकार के कार्य को कर सकती हैं, लड़के कबड्डी खेलने इस प्रकार के कार्य करते हैं, या मेरे हम जेंडर रूप तो उसमें दिखाएंगे तो हमारा ये क्या है वहां के वातावरण को इफेक्टेड करेगा या प्रभावित करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में। उपलब्धि अनुप्रेरणा है, फर्स्ट ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, सेकंड है बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, फोर्थ है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, फोर्थ है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात की जा रही है उपलब्धि अनुप्रेरणा क्या है। तो यहाँ पे जैसे उपलब्धि अनुप्रेरणा की बात करते हैं, उपलब्धि अनुप्रेरणा जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने के साथ डटे रहने की प्रवृत्ति है, यह अनुप्रेरणा एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है जो कि उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति में सफलता प्राप्ति प्रवृत्ति का एक विफलता परिवार विरहिति के रूप में देखी जा सकती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे थर्ड, चुनौती कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं, यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि फर्स्ट ऑप्शन है पुरुष और स्त्री की रूढ़बद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है, सेकंड है लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, थर्ड है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, फोर्थ है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड करती हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विज्ञान के ये प्रयोग होती हैं तो उसमें लड़के क्या उपकरणों को अपने हाथों में लेने का कार्य करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं डाटा संग्रह का रिकॉर्ड प्रवृत्ति करती है, तो यह प्रवृत्ति किस प्रकार की दर्शा रही है? तो यहां पे बात करती हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति है पुरुष और स्त्री की रूढ़बद्ध भूमिका में विद्यालय में भी होती है, क्योंकि कुछ विद्यालय या कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि कुछ हल्के फुल्के काम के लिए लड़कियों के लिए बोला जाता है और भारी भरकम काम के लिए लड़कों के लिए बोला जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है आज के टाइम पर, तो हमें सभी को समान तरीके के टास्क देना चाहिए या फिर उनके अकॉर्डिंग जैसे कि प्रत्येक बच्चा सीख सके इस प्रकार के टास्क हमें देने चाहिए या क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है, फर्स्ट ऑप्शन रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, सेकंड है अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, थर्ड है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, फोर्थ है शिक्षकों के भार को हल्का करने। जैसे कि यहाँ पे एनसीएफ की बात की जा रही है, सीबीएसई के द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि के बारे सशक्त साधन के बारे में बात की जा रही है, तो जैसे कि हम बात करते हैं सीबीएसई के द्वारा यहाँ पर सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने की बात की जा रही है, इसके अकॉर्डिंग आंसर अगर हो जाएगा हमारे यहाँ पे
थर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ के समय। रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण परीक्षण का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धांक, सेकंड है व्यक्तित्व, थर्ड है मौखिक बुद्धि लब्धांक, फोर्थ है सांस्कृत बुद्धि सॉरी मुक्ति बुद्धि लब्धांक। तो रेविन का परीक्षण के सिद्धांत के बारे में पूछा गया कौन सा उदाहरण है। तो जैसे कि हमें बात करते हैं कि रेविन का एक प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण सांस्कृत मुक्ति बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। इस परीक्षण में समस्याओं की व्याख्या करने और कठिनाई स्तर बढ़ाता जाता है जिससे व्यक्ति को अधिक समय लगने लगता है परंतु उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा जाता है। आंसर ये करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, सेकंड है विद्यार्थियों का ज्ञान, थर्ड है उद्देश्यों की स्पष्टता, फोर्थ है शिक्षण का ज्ञान। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर योजना की दृढ़ता, ये हमारा पाठ योजना में शामिल नहीं होता है। आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, सेकंड है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी, थर्ड है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा या गया है, फोर्थ है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम या अधिकार में 2009 में किस प्रकार का अनिवार्य शब्द है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि निःशुल्क राइट टू एजुकेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर बोला गया है कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगमकर्ता का स्वयं नियमन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम व विनिमय, सेकंड है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना, फोर्थ है सॉरी थर्ड है स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, फोर्थ है अपने सीखने का स्वयं अन्वेषण करने की योग्यता। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि अधिगमकर्ता स्वयं नियमन का अर्थ पूछा जा रहा है, स्वयं नियमन का अर्थ क्या है। तो जैसे अभी बात करते हैं स्वयं नियमन का मतलब होता है कि यहाँ पर अधिगमकर्ता जो सीखने वाला था सीखी हुई चीजों को अपने आप सीखने का अनुवेक्षण करे या परीक्षण करे उसी को कहते हैं अपने सीखने का अनुवेक्षण करने की योग्यता, यही होता है स्वयं नियमन। आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैडम चाय खाती है वाक्य, ऑप्शन देखते हैं इसके अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, सेकंड है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, थर्ड है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, फोर्थ है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो ये क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया गया है मैडम चाय खाती है तो वाक्य किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, उसने कहा है मैडम चाय खाती है वाक्य विज्ञान की दृष्टि से सही हो गया लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है क्योंकि मैडम चाय खाती है मतलब चाय खाई नहीं जाती, चाय हमेशा क्या पी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में संबेस्को द्वारा अस्थायी सहयोग, सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना,
थर्ड है अनुरूपित प्रशिक्षण, फोर्थ है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सीखने के सिद्धांत हैं वो स्कैफोल्डिंग की किसकी ओर संकेत करते हैं। जैसे कि अभी बात करते हैं सीखने में सिम्बायोसिस द्वारा अस्थायी सहयोग, आंसर यहां पे फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया, इस खबर को के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, सेकंड है पुनर्वलित अकस्मातताओं का सिद्धांत, थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फोर्थ है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक महिला ने जो कि भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया है, तो इस खबर के आधार पर क्या समझा जा सकता है। जैसे कि अभी बात करते हैं इस प्रकार की जो घटना हुई है इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कि महिला का भोजन के लिए अपने बच्चे को बेचना पदानुक्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है घटता घटता, सेकंड है घटता प्रभावित नहीं करता, थर्ड है बढ़ता घटता, फोर्थ है बढ़ता बढ़ता है। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों की वर्गीकरण की स्वगरिमा को किस प्रकार से शैक्षणिक योगदान या निष्पादन करता है। जैसे कि बात करते हैं कि जो बुद्धि लब्धांक होता है के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने पर उनकी स्वगरिमा को घटाता है लेकिन उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार के आधार पर शिक्षक शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर शिक्षण को उपलब्ध बनाता है। आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, घटता है प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेगी आपको। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, सेकंड है सामान्य विद्यालय, थर्ड है फैक्ट्री विद्यालय, फोर्थ है प्रगतिशील विद्यालय। तो यहाँ पे जॉन डीवी से पूछा गया कि जॉन डीवी जो समर्थित किस विद्यालय लैब का उदाहरण पूछा गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं जॉन डीवी जो होती है इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, प्रगतिशील शिक्षा को समर्थित करते हैं जो कि ये कहते हैं कि एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप और विभिन्न शिक्षण प्रक्रियाओं को अपनाकर की जाती है जिसमें लैब विद्यालय की संकल्पना शामिल है। आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा प्रगतिशील विद्यालय फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कॉलवर्क के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, सेकंड है व्यक्तित्वता और विनिमय, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए यहाँ पे, ए यहाँ पे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी ए यहाँ पे व्यक्तित्वता और विनिमय, सी ए अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, डी ए सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक अधिकार। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉरेंस कॉलवर्क के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों को प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों में अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे ये कथन दिए गए ABCD के रूप में, तो हमें इन्हें मिलान करके बताना है कौन सा आंसर इधर करेक्ट होगा। जैसे लॉरेंस कॉलवर्क की बात करते हैं, लॉरेंस कॉलवर्क ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तर पर और 6 अवस्थाओं में बांटा है। उनके सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे जो होते हैं वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण एवं व्यक्तिक और विनिमय का अनुसरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आज्ञा पालन ए हमारा इसे फॉलो कर रहा है और व्यक्तिक और विनिमयकरण हमारे इसे हमारा फॉलो कर रहा है बी। तो हमारा आंसर इधर करेक्ट होगा बी और ए या ए और बी। तो ए और बी हमारे किस ऑप्शन में, फर्स्ट में बी और ए। तो आंसर इधर करेक्ट होगा हमारे यहाँ पे
फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। सेकंड है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। थर्ड है अच्छा आपके दादाजी आए हैं। फोर्थ है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी है तो आपकी कक्षा में कहता है कि उसके बोलता है उसका दादा आया है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो वहां पर हमको इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, जैसे बच्चा बोलता है कि उसका दादा आया है तो हमें वहाँ पे टीचर होने के नाते या टीचर को वहाँ पे ये बोलना होगा कि अच्छा आपके दादाजी आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे बच्चा भी इसी प्रकार की प्रक्रिया की कि हमारे दादाजी आए हैं या उसके दादाजी आए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इधर करेक्ट होगा हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। सेकंड है यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। थर्ड है यह घटनाओं का सही वर्णन है। फोर्थ है यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है। जैसे हम बात करते हैं घटनाओं का सही वर्णन बच्चों के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। इस प्रकार का पैटर्न विस्तार से या पर्यटन विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन करना और घटनाओं वृत्तों की प्रमुख विशेषता है। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारे यहाँ पे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। सेकंड है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। थर्ड है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। फोर्थ है विकासात्मक अवस्थाएं। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मिश्रित आयु वाले वर्ग के बच्चे हैं उनकी विद्यार्थी की क्लास आपकी क्लास में, तो उनके व्यवहार को शिक्षक के लिए ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। उनका ज्ञान जानने के लिए या उनकी आवश्यकता जानने के लिए शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा है, जैसे कि हम ये बात करते हैं अगर आपकी क्लास में मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चे हैं तो उसकी इस उस कक्षा के व्यवहार जानने के लिए या रखने के लिए आप विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास के अंतर्गत आने वाले मानसिक सामाजिक संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होगा हमारा फोर्थ विकासात्मक अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे फर्स्ट ऑप्शन है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। सेकंड है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। थर्ड है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। फोर्थ है सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की, प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक गठन सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व के लक्षणों विद्यालय उपलब्धियों खेलकूद एवं रुचियों में बहु उपलब्धता या रूपता आदि में सामान्य बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं और ऐसे बच्चे मानव के लिए या मानव महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असमर्थ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आंसर अगर करेक्ट हो जाए हमारा इसका अकॉर्डिंग सेकंड, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः असंभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। सेकंड है विकास विषम जातीय से स्वजाति स्वसत्ता की ओर अग्रसर होता है। सेकंड थर्ड है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। फोर्थ है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है।
जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, आंसर इज करेक्ट हमारा यहाँ पे फोर्थ, क्योंकि विकास सापेक्ष रूप से क्रम में होता है, क्योंकि विकास का एक क्रम होता है, जैसे कि जन्म से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष फर्स्ट ऑप्शन अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। सेकेंड है, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। थर्ड है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। फोर्थ है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाति है। जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है, अधिक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्षा का एनवायरमेंट किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्षा का आयु के अनुसार पहले के मुकाबले अधिक समजातीय है या हुए हैं, तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है इरिक एरिक्सन, सेकंड है चार्ल्स डार्विन, थर्ड है बीएफ स्किनर, फोर्थ है जॉन डीवी। तो यहाँ पे बाल केंद्र शिक्षा के बारे में पूछा गया है, किसने समर्थन किया है या किस मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पे समर्थन किया, क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, आंसर करेक्ट हो जाएगा जॉन डीवी फोर्थ, क्योंकि जॉन डीवी ने बाल केंद्र शिक्षा का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आते हैं वीडियो मिलती रहेंगी। पृथ्वी सारी बच्चों की संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, सेकेंड है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, थर्ड है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, फोर्थ है सहशैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके संबंध में, उनके संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। तो जैसे कि हम प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं, ये बच्चे चूँकि बुद्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है और ऐसे बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों को प्रतिभाशाली कहा है और ऐसे विद्यार्थियों की वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले स्तर में प्रोन्नत करना बेहतर समझाया या बताया है। तो आंसर है इसका अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन स्तर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, सेकंड है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, थर्ड है इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, फोर्थ है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि एकल अभिभावक एकल पेरेंट्स के बारे में पूछा रहा है, तो बढ़ते बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को होना चाहिए कि वह किस प्रकार के या इस प्रकार के बच्चों को या बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करे, जिससे कि उसकी मानसिकता क्षुब्ध ना हो, इसके अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, सेकंड है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, थर्ड है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, फोर्थ है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखवाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा या उपयुक्त गतिविधि होगी, क्योंकि यहाँ पे जो संकल्पना के आधार पर हम नाटक लिखवाते तो बच्चे क्या उसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
शारीरिक गतिक बुद्धि वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? फर्स्ट है शल्य चिकित्सक, सेकंड है कवि, थर्ड है वाचक, फोर्थ है राजनीतिक नेता। तो यहाँ पे शारीरिक गतिक बुद्धि लब्धांक या बुद्धि रखने वाले बच्चों के बारे में पूछा गया है, तो अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं कि शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था जो है कि शल्य शिक्षक हो सकती है, ऐसे बच्चे शरीर रचना को जानने के प्रति ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। आंसर से करेक्ट हो जाओ इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।